हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित तोमर आप सभी का पी एम सब्जेक्ट लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वह है संतुलित तथा असंतुलित बल में अंतर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको संतुलित तथा असंतुलित बल में अंतर लिखवाने वाला हूँ कि इन दोनों में आखिर अंतर क्या है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल पी एम सब्जेक्ट लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। दोस्तों, यदि आपको ये नहीं पता है कि बल किसे कहते हैं तो दोस्तों इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको बल के बारे में पूरी तरह समझाया कि बल किसे कहते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दोस्तों उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उस वीडियो को देखने के बाद आपको बल जो है पूरा क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए, आपको क्या करना है, अब आपको हेडिंग डालनी है संतुलित तथा असंतुलित बल में अंतर। क्या हेडिंग डालनी है? संतुलित तथा असंतुलित बल में अंतर। दोस्तों अब आपको देखिए क्या करना है, अब आपको सेम इस प्रकार का चार्ट बनाना है। क्या करना है दोस्तों? सेम इस प्रकार का एक चार्ट बनाना है। और दोस्तों जब इस चार्ट को आप बना लो तो आपको क्या करना है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में संतुलित बल लिखना, राइट हैंड साइड में असंतुलित बल लिखना है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आपको क्या करना है, अब आपको संतुलित बल में नंबर वन पॉइंट डालना है और उसमें आपको लिखना है किसी वस्तु पर एक साथ कई बल लगे हों किंतु उनका परिणामी बल शून्य हो तो उन बलों को संतुलित बल कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमारे पास कोई वस्तु है और वह वस्तु विराम अवस्था में है। वह वस्तु क्या है? विराम अवस्था में है। और उस वस्तु पर चारों तरफ से बल लगाए जाए, उस वस्तु पर चारों तरफ से बल लगाए जाए तो जो उसकी स्थिति है वह वैसी की वैसी रहेगी। विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में ही रहेगी। तो इस प्रकार के बल को हम क्या कहते हैं? संतुलित बल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? संतुलित बल कहते हैं। तो दोस्तों आप इस बात को एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए मेरे पास ये वस्तु है। ये क्या है? एक वस्तु है और ये वस्तु विराम अवस्था में है। ये वस्तु कायम है विराम अवस्था में। अब मैं दोस्तों इस वस्तु पे इस साइड से बल लगाऊं, इस साइड से बल लगाऊं और इस साइड से भी बल लगाऊं, चारों तरफ से बल लगाऊं, धक्का लगाऊं, तो दोस्तों क्या इसकी स्थिति परिवर्तित होगी? नहीं होगी। यह वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, क्योंकि मैं इसके चारों तरफ से बल लगा रहा हूं जिसके कारण जो इसकी स्थिति है वह परिवर्तित नहीं हुई है। मतलब विराम अवस्था से गति अवस्था में नहीं आई है। तो दोस्तों इस प्रकार के बल को हम क्या कहते हैं? संतुलित बल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? संतुलित बल कहते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा संतुलित बल किसे कहते हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना है, असंतुलित बल में लिखना है किसी वस्तु पर एक साथ कई बल लगे हों किंतु उनका परिणामी बल शून्य न हो तो उन बलों को असंतुलित बल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? असंतुलित बल कहते हैं। देखिए दोस्तों, मेरे पास कोई वस्तु है, मेरे पास क्या है? कोई वस्तु है और वह वस्तु विराम अवस्था में है। वह वस्तु किसमें है? विराम अवस्था में। अब दोस्तों उस वस्तु पर एक साइड से क्या लगाऊं दोस्तों? बल लगाऊं, तो दोस्तों उसकी जो स्थिति है वो परिवर्तित हो जाएगी, वह विराम अवस्था से गति अवस्था में आ जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार के बल को हम क्या कहते हैं? असंतुलित बल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? असंतुलित बल कहते हैं। तो आप भी इस बात को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। दोस्तों मान लीजिए मेरे पास विराम अवस्था में कोई वस्तु है, ये मेरे पास एक वस्तु है जो विराम अवस्था में है। अब मैं इस वस्तु पे इस साइड से क्या लगाऊं? बल लगाऊं। क्या लगाऊं दोस्तों? बल लगाऊं, जिसे हम धक्का भी कहते हैं। यदि मैं इस साइड से क्या लगाऊं दोस्तों? इस वस्तु पर धक्का लगाऊं, तो ये वस्तु किस साइड को गति करेगी? इस दिशा की ओर गति करेगी। किस दिशा की ओर गति करेगी ये वस्तु? इस दिशा की ओर। तो दोस्तों यह वस्तु विराम अवस्था से गति अवस्था में आई, यह वस्तु विराम अवस्था में, गति अवस्था में। जब मैंने इस वस्तु पर बल लगाया, धक्का लगाया, तो यह वस्तु विराम अवस्था में थी तो यह गति अवस्था में आ गई। तो दोस्तों इस प्रकार के बल को हम क्या कहते हैं? असंतुलित बल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? असंतुलित बल कहते हैं। तो दोस्तों आपको असंतुलित बल समझ में आ गया होगा कि असंतुलित बल किसे कहते हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना है, अब आपको संतुलित बल में नंबर टू पॉइंट डालना है और उसमें आपको लिखना है यह बल विराम अवस्था की वस्तु को गतिमान नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो संतुलित बल होता है, ये जो संतुलित बल होता है ये कभी भी विराम अवस्था वाली वस्तु को गतिमान नहीं कर सकते, मतलब गति अवस्था में परिवर्तित नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरे पास ये वस्तु है, विराम अवस्था में है। अब दोस्तों यदि मैं इस वस्तु पर इस साइड से बल लगाऊं, इस साइड से बल लगाऊं, इस साइड से बल लगाऊं, तो क्या इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन आएगा? नहीं आएगा। ये विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी। इसलिए दोस्तों संतुलित बल की जो अवस्था है वैसी की वैसी ही रहती है बल लगाने के बाद।
अब दोस्तों आपको क्या करना, अब आपको असंतुलित बल में लिखना है। नंबर टू पॉइंट में यह बल विराम अवस्था की वस्तु को गतिमान कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो असंतुलित बल होता है ना, असंतुलित बल ये किसी भी वस्तु को विराम अवस्था से गति अवस्था में परिवर्तित कर सकता है, किसी भी विराम अवस्था वाली वस्तु को गति अवस्था में परिवर्तित कर सकता है। आप इसी उदाहरण से समझिए दोस्तों, मेरे पास वस्तु है विराम अवस्था में है, अब मैं दोस्तों इस दिशा से क्या लगाऊं, इस वस्तु पर धक्का लगाऊं, बल लगाऊं, तो दोस्तों ये वस्तु जो किस दिशा की ओर चलेगी, इस दिशा की ओर चलेगी, इस दिशा की ओर चलेगी, इस दिशा की ओर चलेगी। तो यह वस्तु विराम अवस्था से गति अवस्था में आई, तो इस प्रकार की बल को हम क्या कहते हैं, असंतुलित बल कहते हैं। तो दोस्तों आपके नंबर टू पॉइंट भी समझ में आ गया होगा, संतुलित बल का, असंतुलित बल का। अब दोस्तों आपको क्या करना है, अब आपको संतुलित बल में तीसरा पॉइंट डालना है और उस आपको लिखना है यह बल प्राय वस्तु की आकृति या आकार को बदल देते हैं। तो दोस्तों ये जो संतुलित बल होता है ना, यह वस्तु की आकृति और आकार दोनों को बदल सकता है, यह वस्तु की आकृति और आकार दोनों को बदल सकता है। आप इस बात को इस एग्जांपल के माध्यम से समझिए। देखिए दोस्तों, मान लीजिए प्लास्टिक की कोई वस्तु है, ये प्लास्टिक की कोई वस्तु है, अब मैं इस वस्तु पर इस साइड से बल लगाऊंगा, इस साइड से बल लगाऊंगा, तो इस साइड से बल लगाऊंगा, तीनों साइड से बल लगाऊंगा, तो दोस्तों इसकी जो वस्तु की आकृति है वो बदलेगी नहीं बदलेगी, भाई मैं इस पर इस साइड से बल लगाऊंगा, इस साइड से बल लगाऊंगा, इस साइड से बल लगाऊंगा, तो ये वस्तु पिचक जाएगी, तो इसकी आकार आकृति में परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। तो दोस्तों संतुलित बल में क्या होता है कि वस्तु की आकृति और आकार बदल जाता है संतुलित बल में। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको असंतुलित बल में लिखना है तीसरे पॉइंट में यह बल प्राय वस्तु की आकृति या आकार को नहीं बदल पाते हैं। तो दोस्तों जो असंतुलित बल होता है ये ना वस्तु की कभी आकार को बदल सकता है ना आकृति को बदल सकता है। आप इस बात को जरा एग्जांपल के माध्यम से समझिए। मान लीजिए दोस्तों मेरे पास ये वस्तु है, प्लास्टिक की वस्तु है विराम अवस्था में, ठीक है दोस्तों। अब मैं इस वस्तु से इस दिशा से धक्का मारूंगा, बल लगाऊंगा, तो ये तो दोस्त इस दिशा की ओर गति करने लगेगी वस्तु, इस दिशा की ओर गति करने लगेगी, तो क्या इसकी आकार आकृति में कोई बदलाव आएगा, नहीं आएगा। तो दोस्तों असंतुलित बल में क्या होता है कि जो वस्तुएं होती हैं ना उनके आकार में कोई बदलाव होता है ना उनकी आकृति में कोई बदलाव होता है। तो दोस्तों आपको ये तीसरा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आपको संतुलित बल में चौथा पॉइंट डालना है, उसमें आपको लिखना है यह बल गतिमान वस्तु की चाल तथा दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये जो संतुलित बल होता है ये गतिमान वस्तु की ना चाल को बदल सकता है ना दिशा को बदल सकता है। अब इस बात को जरा एग्जाम्पल के माध्यम से ही समझिए। अब दोस्तों ये मान लीजिए ये वस्तु है, अब मैं इस पर इस दिशा से धक्का लगाऊंगा, इस दिशा से धक्का लगाऊंगा, इस दिशा से धक्का लगाऊंगा, तो ये वस्तु किसी दिशा की ओर जाएगी, किसी दिशा की ओर चलेगी, नहीं चलेगी। तो इनकी दिशा में या इसकी चाल में कोई परिवर्तन हुआ, नहीं हुआ। तो दोस्तों क्या होता है संतुलित बल में, गतिमान वस्तु की चाल तथा दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब दोस्तों आपको असंतुलित बल में लिखना है चौथे पॉइंट में ये बल गतिमान वस्तु की चाल तथा दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो असंतुलित बल होता है ये गतिमान वस्तु की चाल को भी बदल सकता है, दिशा को भी बदल सकता है। आप इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। ये मेरे पास वस्तु है, इस दिशा से धक्का लगाऊंगा तो ये इस दिशा की ओर चलने लगेगी, तो इसकी दिशा में बदलाव आया, इसकी चाल में बदलाव आया। अब मैं दोस्तों बाय चांस में इस दिशा से धक्का मारूं तो ये वस्तु इस दिशा की ओर चलने लगेगी, तो दोस्तों इसकी दिशा में बदलाव आया, चाल में भी बदलाव आया। तो दोस्तों असंतुलित बल में क्या होता है कि वस्तु की चाल और दिशा बदल सकती है असंतुलित बल में। तो दोस्तों आपको संतुलित बल तथा असंतुलित बल में अंतर समझ में आ गया होगा कि दोनों में क्या अंतर होता है। इसी प्रकार से दोस्तों आपको एग्जाम में संतुलित बल तथा असंतुलित बल में अंतर लिखना है। यदि दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपका हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।